नंबर 240, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, तो 240 का आंसर है सी, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। 241, HCl HC3COH में से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि, 241 का आएगा बी, यह H प्लस आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। 242, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो आएगा बी, कांसा। क्वेश्चन नंबर 243, शुष्क बर्फ कहलाता है, देखिए ये फिर रिपीट हो रहा है, दो तीन बार हो चुका है रिपीट, तो इसका आंसर आएगा ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आदर्श हवा में लोहा में मोर्चा में शामिल है, 244 का डी, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। 245, एक धातु जिसे लोहा लोह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है, तो इसका आएगा बी, क्रोमियम है वो। 246, निम्नलिखित में से कौन सा अलोहा धातु है, तो आएगा बी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो आएगा सी, जल के लवण का घुलना। 248, देखो दूध का दही में परिवर्तन होना ये भी एक रासायनिक क्रिया है, काष्ठ का जलना ये भी एक रासायनिक क्रिया है, लोहे में मोर्चा लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन जो जल के लवण का घुलना होता है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, जल में लवण का घुलना। 248, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है, तो इसका आएगा सी, जीनों का अनुकूल सम्मिश्रण उत्पादन करने में। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में फसलों में से किस में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होती है, तो 249 में आएगा बी, गन्ना। 250, मानव शरीर में दीर्घतम अंतस्रावी ग्रंथि है, तो बी, O2, थायराइड। 240, 251, 251, रेडियम प्राप्त होता है, सी, पिच ब्लेड से। 252, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो डी, सीसा। 253, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, 253 का सी, दुर्लभ अम्ल। सिरका का व्यापारिक नाम है, 254 का सी, एसिटिक अम्ल। 255, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे है, बी, निम्न ताप से। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रस्तावित किया जाता है, बी, ह्यूंग्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 257, जब किसी पिंड द्वारा कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक सामान्य से, तो सी, त्वरण। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, 258 का सी, कांच में से। जब 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक जल को गर्म किया जाता है तो तब जल का आयतन, सी, पहले कम होता है बाद में बढ़ता है। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है क्योंकि, क्योंकि डी, केशिताओं के कारण। मोटर कार में पश्च दर्शक देखने के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है, 261 का डी, उत्तल दर्पण। 262, तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो बी, तांबा से। पदार्थ का लघुत्तम अंश है, डी, क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, क्वार्क। 264, निम्न में से सर्वाधिक परिस्थितिक ईंधन है कौन सा है, 264 का सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 265, व्याधि के निदान के लिए क्या जाता है, देखो ईईजी है ये, ईईजी को मस्तिष्क के लिए करते हैं और ECGO तो हृदय के लिए करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ईईजी मस्तिष्क के लिए, सी ऑप्शन आएगा 265 का, अगर ईईसी हो तो ईईसी तो हृदय के लिए। 266, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक, डी, हेनरी बैंकरल। वैद्युतिक स्त्री में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, यह डी,
ताप तथा विद्युत दोनों का कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 268, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? सी तीव्रता पे। 269, प्रकाश के ध्रुवन के प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? बी प्रकाश तरंग अनुपस्थ होती है। 270, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो ए बुध।